तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों शुभ समाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचार, एक साथ तीन बड़े शुभ समाचार की प्राप्ति होगी अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आप बिल्कुल अकेले में देखना, किसी को भी मत बताना, बड़े राज की बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी जिंदगी की पूरी नैया पलटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर का चमत्कार होगा। जो भी होगा भगवान के मर्जी से होगा और भगवान के आदेश से होगा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की पूरी कायनात अब बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको इस बार एक सुख नहीं, तीन बड़े बड़े सुख एक साथ मिलने वाली है, जिसकी आपने अभी तक कल्पना तक नहीं की होगी। वो सुख अब आपके झोली में आकर गिरने वाली है। वीडियो बहुत खास होने वाली है, सबके सामने देखने की गलती मत करना। आपसे विनती है चुपचाप किसी बंद कमरे में वीडियो देखना और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। मित्रों आज की वीडियो में आपके केवल फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु देव जी के आशीर्वाद से अब आपको बिना मेहनत का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय अंतराल में मेहनत बहुत किए हैं, जिसका क्रेडिट आपको अभी तक नहीं मिला था, वही फल वही क्रेडिट अब आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके मेहनत का, आपके प्रयास का क्रेडिट कोई और लेकर ना चला जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये खुशखबरी आपको किस तरह से प्राप्त करनी है, कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखनी है और किस तरह से प्लान करके चलें ताकि आपको इस शुभ अवसर का पूरा पूरा लाभ मिल सके, बिल्कुल ग्रह गोचर के अनुसार बताएंगे। आज की यह पूरी वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। थोड़ा सा समय देकर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज आपको इस वीडियो में जो लाभ होने वाला है सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले भगवान विष्णु देव जी और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी, जो भी सच्चे भक्त हैं वही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णुदेव महाराज जी के साथ साथ माता रानी लक्ष्मी जी का भी जयकारा जरूर लगाएं। इससे भगवान विष्णु देव जी और माता रानी लक्ष्मी जी दोनों अपनी कृपा दृष्टि आप व आपके पूरे परिवार वालों पर हमेशा बरसती रहेगी, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला खुशखबरी है बेरोजगार लोगों के लिए। जी हाँ, जो लोग अपनी बेरोजगारी की समस्या से परेशान हो चुके हैं, अब उनकी बेरोजगारी की समस्या भगवान विष्णु देव और माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से दूर होने वाले हैं। अगले 24 घंटे के भीतर आपको रोजगार से रिलेटेड कोई ऐसा शुभ समाचार मिलने वाला है जिससे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। जी हाँ, और दूसरा शुभ समाचार है शादीशुदा लोगों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए। जी हाँ, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर जो लोग प्रेम विवाह के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, उनको घर वालों की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ, और जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा लोगों के जीवन में अब एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जिन लोगों के जीवन में आपस में नहीं बन पा रही थी, वाद विवाद हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उनको अब सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। और तीसरा शुभ समाचार है नौकरी पेशा लोगों के लिए। जी हाँ, उनके लिए बहुत ही बड़ा शुभ समाचार है कि नौकरी पेशा लोगों के जीवन में अब बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ से अब उन्हें लाभ ही लाभ होगा।
लेकिन उसके लिए नित्य दिन माता रानी लक्ष्मी जी को पूजा आराधना करनी है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त आप माता रानी को पूजा आराधना कर रहे हैं, उस वक्त माता रानी के साथ साथ भगवान विष्णु देव जी की भी पूजा करें। जी हाँ, तभी आपके रोजी रोजगार में वृद्धि होगी, तभी आपके घर माता रानी जी का वास होगा। जी हाँ, ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत में बरकत होने लगेगी, रुपया पैसा आपके घर में टिकने लगेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान देंगे, अपने कमाई पर ध्यान देंगे, तो आप ज्यों के त्यों रह जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, इस पर आपको जरूर सोच विचार करनी है, नहीं तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, आप कमाते बहुत हैं, कमाई के साथ साथ खर्च भी बढ़ता है, जिस पर आपको लगाम लगानी होगी। दोस्तों, बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिएगा जय माता दी। इससे माता रानी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज आपको अपने साथी के अचानक आए बदलाव के कारण को जानने में मदद मिलेगी। जी हाँ, आप कुछ समय से उस पर कम ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अपने साथी को ताड़ और लाड प्यार करने का दिन है। आज अपने साथी को लंबी या फिर खरीदारी पर लेकर जा सकते हैं, एक साथ शाम का खाना खाएं, इससे साथी को बधाई दें, आप वही ताजगी और चिंगारी अपने जीवन में देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप में अति आत्मविश्वास पैदा होगा, क्योंकि आपके सारे कार्य बड़ी खूबसूरती के साथ क्रियान्वयन हो रहे हैं। आज समय है कि आप अपना एक कदम पीछे लें और सोचें कि वास्तव में आपके लिए क्या आवश्यक है, उसका मूल्यांकन करें और ध्यान दें कि आप अपनी क्षमताओं से क्या हासिल कर सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जितनी चादर है उतनी ही पांव फैलाना है। जी हाँ, जो इंसान चादर से ज्यादा पांव फैलाते हैं, उन्हें एक दिन दूसरों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको जरूर ये बातें ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आज आप किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो सफलता और सम्मान दोनों ही मिलने तय है। जी हाँ, आज सारा तनाव धुल जाएगा और आपका मन और शरीर दोनों ही एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। इस अवसर का लाभ उठाकर या तो जिम में 2 घंटे पसीना बहाएं या एक अच्छी सी दौड़ लगाएं, ताकि आपको तरोताजा महसूस हो। जी हाँ, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना कुछ समय जिम में बिताएं या फिर योगा मेडिटेशन करें। जी हाँ दोस्तों, अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के दौरान कई तरह की एक्टिविटीज करें, जैसे आप साथ में एडवेंचर ट्रिप पर जा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके पार्टनर को पसंद हो। खासकर अपने पार्टनर के साथ लंच करने के लिए समय जरूर निकालें। शादीशुदा जोड़ों के जीवन में अपने घर में नए सदस्य के आने के बारे में बात करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा कर लेंगे और कार्यक्षेत्र में शांति का माहौल रहेगा। लेकिन व्यापार के मामले में किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श करें, धोखाधड़ी की संभावना है। सितारे कहते हैं कि आज आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, यदि संभव हो तो अपनी व्यापारिक शोधों को दूसरे दिन पर ठालें और अपने सहयोगियों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, कोई लगातार पूरी वफादारी, सहायता और समर्थन से आपके साथ बना हुआ है। जी हाँ, आज आपके पास उसका बदला उतारने और उसका साथ देने का एक मौका आएगा।
आपको उसका साथ देने में एक मुश्किल स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। जी हाँ, पर अंततः इससे आपका रिश्ता और मजबूत ही होगा। आपको दया और कृतज्ञता दिखाते हुए बहादुर बने रहना है और उसका मदद करते रहना है। कोई ऐसा आपके नजदीक है जिसका आकर्षण जबरदस्त है, लेकिन फिर भी आप अभी उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, उनके दिल में जगह बना पाने की कोशिश से ही आप उनके दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि वे ऐसा दिखाते नहीं हैं, पर प्यार पनप रहा है, आपको बहुत जल्द इसका एहसास भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह गतिविधियों और उपलब्धियों को याद करने या समर्थन करने का अच्छा समय है, और ये आपकी उपलब्धियों को मजबूती देगा कि आप रास्ते पर प्रथम हैं। ये समय नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, चाहे वो नई परियोजना या एक नई नौकरी को लेकर हो। आप इस ऊर्जा को जब तक बनाए रखने की कोशिश करें, तब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाती। जी हाँ दोस्तों, आपको तब तक प्रयास करते रहना है जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। जी हाँ दोस्तों, सफलता और कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माता रानी आपके सभी सपने जल्द ही साकार करें। माता रानी से यही